मेरा ही नुकसान है शीट का, फिर भी ये देखिए, ये देखो भाई पूरा जंग, पूरा भाई रस्ट भरा हुआ इसमें पूरा का पूरा। प्रोजेक्टर लगा रहे हम Z15 ट्रायो भाई, प्रोजेक्टर देख लो हमारा ये लगने वाला Z। कौन सा स्टीरियो होना भैया? अल्ट्रा ऑडियो, ये चीज चेक करो भाई, अल्ट्रा ऑडियो का हमारा स्टीरियो होने वाला है। बता तो कि बैक कैमरे की क्वालिटी कैसे रहने वाली है? ये देखो भाई बैक कैमरे की हमारी क्वालिटी रहने वाली है। इसकी वो छत अभी मैंने जस्ट इसमें से निकलवा के भेजी है। तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, स्वागत है आप सभी का दोबारा एक नई वीडियो में। हमेशा की तरह भाई क्लासिक कार डेकोरा पे आज हम खड़े हैं और हमारे सामने राहुल भाई। तो राहुल भाई क्या हालचाल? बस ठीक भैया। तो राहुल भाई कौन सी गाड़ी लगा रखी है आज? हमारे पास ये स्विफ्ट 14-15 मॉडल है, पुरानी गाड़ी है। ऐसे मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं पहले आपको अंदर से। ये 14-15 मॉडल स्विफ्ट है, इसकी कंडीशन आपको दिखाता हूं। बहुत गंदी कंडीशन आई है गाड़ी हमारे पास है अभी, ठीक है। फ्लोरिंग दिखाता हूं आपको, देखिए कितनी डस्ट है बड़ी है। मेरे को नहीं लगता कि भैया जब से ली होगी उसके बाद किसी ने इसका कुछ कराया होगा, इसके कस्टमर ने शायद ये सेकंड हैंड गाड़ी ली है भैया ने। नहीं नहीं मतलब जो इसके पुराने हो रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है कभी उन्होंने हाथ भी लगवाया इस पे। बड़ी गंदी तरीके से लगा था, कोई काम नहीं लग रहा मुझे इसमें, करवाया होगा उन्होंने उसका पूरा का पूरा चेंज कर दिया। मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में कैसी थी रूफ, और भाई राहुल भाई की जैकेट और रूफ बिल्कुल सेम सेम लग रही है दोनों। इसकी छत अभी मैंने जस्ट इसमें से निकलवा के भेजी है, उसकी भी चलो की हालत बहुत गंदी हुई पड़ी थी, तो वो पूरा पूरा चेंज हो रहा है ना आपको डोर की। ठीक है मैं दोबारा निकलवा के फिर करवा रहा हूँ, इसमें मेरा ही नुकसान है शीट का, फिर भी ये देखिए, ये देखो भाई पूरा जंग, पूरा भाई रस्ट भरा हुआ है इसमें, पूरा का पूरा जंग भरा हुआ है। ठीक है तो डोर की हालत देखिए, दूसरी बार डोर की हालत देख लो भाई, पूरा का पूरा जंग लग रहा है भाई डोरों में, तो सोचो क्या हालत होगी क्या इसका। मतलब जो पुराना ओनर होगा उसमें तो भाई मेरे को लगता है नहीं इस पे एक पैसा खर्च करा होगा आज तक। ठीक है तो डोरों की हालत मैंने आपको दिखा दी है, इसमें अभी हमारी डैम्पिंग की शीट लगनी है, उसके भी बात कर लेंगे बाद में। बाकी और क्या चीज देखते हैं, और क्या क्या चीज है अंदर जो मतलब बिल्कुल ही कोई कंडीशन है ही नहीं इसकी, आप जिसको नया बना के भेजेंगे आज हम। तो इसमें जो जो काम होना है हम आपको वो बताते हैं जरा। ठीक है भैया, इसमें रूफ का काम होने ही गया हुआ है। ठीक है, सीट कवर उधर है, सीट कवर अभी मतलब हो गया स्टार्ट, काम स्टार्ट हो गया ना, काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, फ्लोरिंग अभी लगनी बाकी है। ठीक है, इसमें डैम्पिंग, ठीक है, स्पीकर्स ये भी इंस्टॉल करेंगे क्योंकि भैया ने कहा था कि पहले आवाज सुनूंगा तब उसका इंस्टॉलेशन का देंगे स्पीकर का। अच्छा, वो सेकंड पार्ट है वो तो। मतलब जितना भी काम है अंदर का यही है, स्टीरियो हो गया अपना, फ्रंट एंड बैक रिकॉर्डिंग वाला अपना अल्ट्रा ऑडियो का। ठीक है, अब इससे फ्रंट से हम दिखा देते हैं। एक बार चलते हैं भाई फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। फ्रंट इंटीरियर में जितना भी काम था भैया ने बता दिया, यहाँ पे स्पीकर हमारा, डैम्पिंग हो गया, सीट कवर हो गए, फ्लोरिंग हो गई, स्टीयरिंग लैप हो गया, और जितनी भी सारी चीजें थी अगर कुछ ऐड ऑन भी होगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा साहब के साथ। तो एक बार चढ़ते हैं वापस गाड़ी के आगे की तरफ, तो गाड़ी की आगे की तरफ मैं दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस आने वाले। प्रोजेक्टर लगा रहे हम Z15 ट्रायो भाई, प्रोजेक्टर देख लो हमारा ये लगने वाला Z15 ट्रायो, जिसमें तीन कलर मिल जाते हैं आपको, कौन कौन से भैया? व्हाइट, ऑफ व्हाइट एंड प्योर येलो। प्योर येलो ऐसा कि आपको वॉक के अंदर ही पूरा क्लैरिटी देगा येलो। और कितने मीटर तक की अपनी रेंज रहने वाली है? 300-450। देख लो भाई ये पूरा का पूरा एरिया चेंज होगा, जितना है इसकी कटिंग हो गया हमारा यहाँ पे ये लगने वाला है, जो ट्राई कलर प्रोजेक्टर है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई जितना भी ये ब्लैक एरिया यहाँ से इसकी कटिंग होती है, उस कटिंग होने के बाद हमारा इसके बाद यहाँ पे हमारा लगना है तीन कलर वाला हमारा प्रोजेक्टर है। ये देखो भाई क्या बढ़िया चीज है, तीन कलर मिल जाते हैं आपको इसमें, व्हाइट, ऑफ व्हाइट और एक येलो। नॉर्मली ये लगेगा अपने अडैप्टर के साथ, जो कि वायरिंग वगैरह हीट नहीं होने देगा, इसको प्रॉपर करंट फ्लो देगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं पर हमारे जो इसमें स्टीरियो लगे है, वो कौन सा स्टीरियो होना भैया? अल्ट्रा ऑडियो, ये चीज चेक करो भाई, अल्ट्रा ऑडियो का हमारा स्टीरियो होने वाला है। कार प्ले T5 प्रोसेसर, इसमें हैवी प्रोसेसर होता है, T5 प्रोसेसर होने वाला है। और हमारी स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाली भैया? 432 स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। और सीट का अपना बकेट रहने वाले हैं, अल्ट्रा कंफर्ट रहने वाले हैं, विद कुशनिंग करेंगे, कुशनिंग भी करनी हमें बाकी है क्योंकि सीटों की हालत भी दिखा दूँ आपको। तो वैसे एक बार सीटों की हालत देख लेते हैं भाई वहाँ चल के, ये देख लो भाई सीटों की हालत कैसे हो रही है, बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे। इसमें एक्स्ट्रा फोमिंग करके हम एक्स्ट्रा कुशनिंग करेंगे, फिर उसके अंदर सीट और इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, फिर आप देखना इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आती है। ठीक है, तो भाई जैसे कि राहुल भाई ने बता दिया टोटल के मतलब मोस्टली काम हो ही रहा है इसमें, सीट आप दो चीजें और ऐड ऑन हुई है, पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग। अच्छा, पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग अभी दो चीजें हमारी और ऐड ऑन हुई है। मैंने को बताया था ना, इसको हम बेस टू टॉप बना, इसको हम टॉप बना के भेजेंगे यहाँ से, इसको खाली सनरूफ छोड़ के, सनरूफ छोड़ के सारा का सारा काम ही हो रहा है। ठीक है, सीट दिखा दी, डैम्पिंग की पड़ी हुई है, सारा का सारा काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे जैसे और कुछ काम नया ऐड होगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है,
तो जरा भाई मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दूँ हमारी जो गाड़ी थी स्विफ्ट, उसमें कितना काम हो चुका है और कितना काम रह रहा है। बाकी एक बार फ्रंट की प्रोफाइल की तरफ बात करते हैं, तो भाई फ्रंट में हमारे जो सेंटर लॉकिंग का काम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और नीचे भाई जैसे कि देखिए तो आईपीएच हमारे जो प्रोजेक्ट रहते हैं 3 कलर वाले वो भी हो चुके कंप्लीट। और ये देखो भाई, मैं जैसा कि आपको शुरुआत में दिखाया था, ये पूरा कटिंग करके पूरा होल करा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा यहाँ पे ऐसा लग जाएगा, सॉरी ये उस साइड का, ठीक है। तो ऐसे ये फिट हो जाता है, तो इसका काम हो चुका पूरा कंप्लीट। और फ्रंट का मैंने बताया सेंटर लॉकिंग का हो गया है और आईपीएच प्रोजेक्टर हो गया है। और गाड़ी के अगर अंदर चलते हैं, अंदर बताता हूँ अभी क्या क्या काम हो चुका है। अंदर देखो भाई, जैसे ये फ्लोरिंग का काम हो चुका है, डैम्पिंग का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, और हमारा कहते हैं स्टीरियो रह रहा है अभी और स्पीकर्स रह रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि एक बार मैं आपको सीटें दिखा दूँ, तो सीटें अभी गाड़ी में आपको दिख नहीं रही होंगी, पर ये देखो भाई बैक का पोर्शन, सीट का भी जितना काम था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और डैम्पिंग का तो जैसे हो ही चुका है। बाकी एक बार मैं आपको सीटें दिखा दूँ, सीटों का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए भाई, जैसे कि सीटों का मैं दिखा दूँ, पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सीटें यहाँ पे बन के रखी पड़ी हैं, बस इनको लगाना है। और एम्बिएंट का एक बार मैं दिखा दूँ, तो एम्बिएंट जो हमारे गत्ते में जो फिटिंग थी, एम्बिएंट की भी फिटिंग टोटल हो चुकी है गत्तों में, बस इनका इंस्टॉलेशन रह रहा है। तो मतलब आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम रह रहा है। आप सीधा मिलते हैं वीडियो सीधा एंड में। सो फाइनल भाई, जितना भी काम था हमारी स्विफ्ट का टोटली हो चुका है कंप्लीट, जितना भी था टोटल हो चुका है कंप्लीट। तो राहुल भैया कहाँ से शुरू करने हैं? तो भाई इंटीरियर से एक बार शुरुआत कर देते थे, इंटीरियर में दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। बाकी जब गाड़ी आई थी उसका भी मैंने आपको दिखा दिया था कि गाड़ी उस टाइम कैसी थी और अब कैसी होगी, वो सारे चेंजेस आप देखना। आप स्टार्ट एम्बिएंट लाइट कर दी हमने इसमें, एम्बिएंट लाइट देख लो भाई अपनी कौन सी आने वाली है, अभी K3 की अपनी एम्बिएंट लाइट होने वाली है भाई। और इसमें आपको K4 की भी वैरायटी मिल जाएगी अगर आप लेना चाहो तो, बाकी दो तरह की वैरायटी होती है K3 और K4, ठीक है। और नेक्स्ट का चीज है स्टीरियो हमने लगा दिया फ्रंट एंड बैक रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। स्टीरियो हमारा लग गया है, फ्रंट एंड बैक रिकॉर्डिंग वाला कैमरा है, एक कैमरा आगे देख सकते हो, एक कैमरा आपको मैं गाड़ी के पीछे दिखा दूं, ये चीज देखो भाई। और ये रिकॉर्डिंग यहाँ से भी आपकी होने वाली है, आगे से भी और पीछे से दोनों तरफ से आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो एक तरह से डैश कैम का भी पूरा वर्क करता है, ठीक है। और नेक्स्ट का चीज होने वाला भाई रूफ, रूफ देख लो भाई, रूफ का पूरा चेंज कर दिया, मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में कैसी थी रूफ। और भाई राहुल भाई की जैकेट और रूफ बिल्कुल सेम लग रही है दोनों स्कॉर्पियो, ठीक है। तो इसका भी काम पूरा हो चुका भाई, ये गाड़ी का इंटीरियर को बहुत अलग ही चीज बना देती है रूफ जितनी होती है, ये चीज चेक करो भाई। तो रूफ का भी सारा काम हो गया, तो रूफ के बाद क्या चीज होती है राहुल भाई? स्टीयरिंग रैप डन है हमारा, ओएम टाइप स्टीयरिंग रैप चेक करो भाई, ओएम टाइप मतलब वही सीट के इंटीरियर के हिसाब से जो मतलब बिल्कुल मैच करे है ना, ब्राउन ब्लैक। सीट कवर डन है हमारा ड्यूअल टोन ब्लैक कलर, वो भी ब्लैक एंड कॉफी का जो कॉम्बिनेशन है, साथ में स्टीयरिंग रैप भी सेम है उसी कलर का, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे की तरफ दिखाए थे, नीचे की तरफ अपनी फ्लोरिंग एक बार दिखाया था मैं आपको, ये चीज चेक करो भाई, अपनी वाटर प्रूफ वाली फ्लोरिंग रहने वाली है क्रोकोडाइल वाली, और उसके ऊपर आगे हमारे मैट है ना। तो ये हो गया भाई गाड़ी के इंटीरियर में जितना भी काम था, है ना भाई, या फिर इससे भी कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं, तो इतना ही काम था। तो एक बार गाड़ी के फ्रंट की तरफ आते हैं, फ्रंट की तरफ आपको दिखा दो कि क्या चेंजेस आए। हेडलाइट में एलईडी डाल दिए, प्रोजेक्टर डाल दिया ट्राई कलर, ठीक है। तो हेडलाइट में जो हमारा एलईडी डाला कितने वाट होने वाला है? 300 वाट जिमर, तो 300 वाट का हमारा इसमें एलईडी डाला है जिमर का, ठीक है। और नीचे हमारे डाला आईपीएच का 3 कलर वाला, एक बार मैं इसके तीनों कलर दिखाता हूँ, तीनों कलर कैसे होने वाले हैं, ये देखो भाई, ये हमारा नॉर्मल व्हाइट और ये हमारा येलो और ये हमारा ऑफ व्हाइट, तो तीनों कलर आपको मिल जाएंगे हमारे आईपीएच प्रोजेक्ट में। किसी को भी चाहिए भाई, नीचे मैंने नंबर दे रखा है, नंबर पे कभी भी कॉल करना, राहुल भाई उठाएंगे, ठीक है। और क्या चेंजेस आया राहुल भाई इसमें? बैक कैमरा हमने लगा दिया है, बैक कैमरा लग रिकॉर्डिंग 180p की इमेज वाली रिकॉर्डिंग है, ठीक है। स्पीकर्स लगा दिए हमने, ठीक है। बाकी एक बार इसके अभी टेस्टिंग कर लेते हैं। और स्पीकर इसमें कौन से लगे हैं? कंपोनेंट हमारे जो है पाइनियर के, हमारे कंपोनेंट लगे हैं चारों आगे पीछे डोरों में। और एक बार अंदर चलते हैं गाड़ी के और एक बार आपको दिखाते हैं कैमरा क्लियरिटी कैसे रहने वाली है फ्रंट एंड बैक की। तो भैया आ गए हैं गाड़ी के अंदर, तो भाई एक बार मैं आपको बैक कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ कि बैक कैमरा की क्वालिटी कैसे रहने वाली है। ये देखो भाई बैक कैमरा की हमारी क्वालिटी रहने वाली है। और एक बार मैं आपको फ्रंट की भी जितना भी काम था यार यही था, और बस हमने स्पीकर की टेस्टिंग दिखा पाए क्योंकि भैया को अर्जेंट जाना पड़ गया, तो इसकी वजह से हम स्पीकर की आपको मतलब आवाज नहीं सुन पाए। फ्रंट कैमरा और सामने का देख लो, भैया का देख लो, यही सेम चीज हमारा फ्रंट कैमरा में आपको मिल जाएगा। को अर्जेंट जाना था, उसके ऊपर पन्नी भी पन्नी था, काम था कुछ काम जितना भी था, ठीक है। बाकी किसी को बजट के बारे में जानना, जितना भी था हमारा कैमरे का पूरा वर्क हो चुका है, आगे पीछे डोर कैमरा, नंबर पे कॉल करके राहुल भाई से पूछ, डैश कैम का भी पूरा यही कितना बजट इस वाले से काम हुआ है। बाकी आप भी करा सकते हैं कम से कम बजट में, भी ज्यादा से ज्यादा बजट में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो जब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक भाई वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। क्लासिक कार्ड है पूरा, जल्दी।